नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। भारत की हवाई कार्रवाई से बिलबिलाए पाकिस्तान ने एक और हिमाकत की है। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिसे POK में भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है। भारतीय वायुसेना को 2 मिनट में उड़ान भरने को तैयार रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के सभी एयरपोर्टों की आवाजाही बंद कर दी गई है। दिल्ली पंजाब एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी, अमृतसर एयरपोर्ट को खाली किया गया। जम्मू श्रीनगर लेह पठानकोट से हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाक में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो आज कुछ भी मुमकिन है। दूसरी तरफ से पाक मीडिया का कुछ और ही कहना है। पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उन्होंने 2 भारतीय विमानों को मार गिराया है। एक पायलट जिंदा पकड़ा गया है और एक पायलट अभी तक छुपा हुआ है। हालांकि भारत की ओर से इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बड़गांव में एक भारतीय विमान क्रैश हो गया है, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।